नागौर में गृह मंत्री का काफिला बिजली के तारों से टकराने का मामला संभागीय आयुक्त ने गृह विभाग को सौंपी अपनी रिपोर्ट। जांच रिपोर्ट में किस अधिकारी कर्मचारी की नहीं मानी गई है लापरवाही। रथ ऊंचा होने से बिजली के तार से टकराया, संभागीय आयुक्त ने गृह विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल ये मामला गर्माता जा रहा था और सवाल खड़े हो रहे थे, एक्शन की बात हो रही थी, लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने आई है उससे जानकारी है। नागौर में गृह मंत्री का काफिला निकला, बिजली के तारों से टकराया, संभागीय आयुक्त ने गृह विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपी है और उसी के आधार पर अब जांच की जाएगी। गृह मंत्री का काफिला बिजली के तारों से टकराने से मामला, संभागीय आयुक्त ने गृह विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपी। जांच रिपोर्ट में किसी अधिकारी कर्मचारी की कोई लापरवाही नहीं मानी गई। उनका मानना था कि रथ ऊंचा होने से बिजली के तार से टकरा गया था। ज्यादा जानकारी देंगे सोगी सुरेंद्र परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, एक बार फिर से मामले को समझाइएगा और अब जो रिपोर्ट सामने आई उसी के आधार पर जांच होगी, लेकिन रिएक्शंस किस तरीके से सामने आ रहे हैं? देखिए, ये बड़ी खबर है क्योंकि अभी करीब एक सप्ताह पहले जो गृह मंत्री अमित शाह वो नागौर के पर्वतसर में थे और वो जब रथ से एक रोड शो कर रहे थे तो उनका जो रथ था वो एक बिजली के तार से टकरा गया और वहां पर स्पार्क वो बिजली की चिंगारियां भी निकली और पूरे देश भर में इस घटना को लेकर क्रिटिसिज्म हुआ कि जो केंद्रीय गृह मंत्री है उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। इसके बाद जो राजस्थान सरकार है उन्होंने गृह विभाग को निर्देश दिए और गृह विभाग ने जो अजमेर के संभागीय आयुक्त हैं उनको दो दिन में जांच करके रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे, लेकिन जो जांच रिपोर्ट आई है वो हैरान करने वाली है क्योंकि जांच रिपोर्ट में संभागीय आयुक्त ने किसी की भी लापरवाही अधिकारी या कर्मचारी की विभाग के स्तर पर कम से कम नहीं मानी है। और जो एक तरीके से आयोजक हैं जो जिन्होंने गृह मंत्री का रोड शो ऑर्गेनाइज किया, एक तरीके से उनकी ही गलती इसमें नजर आती है कि उन्होंने चेक नहीं किया कि उनका जो रथ है वो कितना ऊपर है और वहां पर बिजली के तार भी हैं, जिस गली में से निकलेंगे तो वो टकरा सकते हैं। तो पहले जो संभावना थी कि किसी अधिकारी पर इसकी गाज गिर सकती है, लापरवाही आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है और एक तरीके से क्लीन चिट दी है संभागीय आयुक्त अजमेर ने सभी बिजली विभाग के अधिकारियों को, स्थानीय अधिकारी हैं, कि उनकी कोई गलती नहीं है, रथ की ऊंचाई अधिक थी इसलिए बिजली टकराया। ठीक है सुरेंद्र, अब इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच होगी। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।